गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि रिश्तों को लेकर प्रियंका चौधरी पर लगने लगे हैं बहुत बड़े बड़े आरोप और प्रियंका चौधरी पर उठाई गई है उंगली। बात ये होती है कि प्रियंका चौधरी ने जो कि पहले टीना दत्ता एंड शालिन जब उनकी बात नहीं होती थी तब उनको फी कहा था और बाद में प्रियंका चौधरी ने जब साजिद खान ने सुंबल के लिए बजर बजाया था तो उन्होंने कहा था कि इनका तो कोई दोस्ती और कोई रिलेशन भी नहीं है तो इन्होंने क्यों बजर बजाया। तो उसी बात को लेकर जो सलमान खान है वो प्रियंका चौधरी पर बहुत ज़्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको ये हक किसने दिया कि आप दूसरों के रिश्ते पर उंगली उठाए, आप कौन होती है किसी के रिश्ते को जज करने वाली, आपको क्या यही बातें सिखाई गई है, आप घर में रहकर किसी के रिश्ते को फेक कहती है, किसी की दोस्ती को फेक कहती है। अगर आपकी मंडली में से कोई रहता है, अगर आपकी ग्रुप आपके दोस्त किसी के साथ बातचीत करते हैं वो तो सब उनका जो रिलेशन है वो सही है। जैसे कि प्रियंका चौधरी गौतम एंड सौंदर्य के रिश्ते को असली कह रही थी लेकिन तभी सलमान खान कहते हैं कि जैसे गौतम तुम्हारे ग्रुप में रहता था तुम उनके रिश्ते को सही कह रही हो, लेकिन जो साजिद खान है जे दूसरी ग्रुप के पार्ट है ना तो इसलिए जे तुम्हें एक गलत लगते हैं, तुम्हारे जो दोस्त है वो करे तो सही लेकिन दूसरे बंदे करे तो वो फेक होता है। तो अभी प्रियंका चौधरी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देती हुई नजर आ रही है कि नहीं सर मैंने ऐसा नहीं कहा साजिद एंड सुंबल के लिए, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तब सुंबल की इनके साथ इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी और सुंबल ने इन्हें कहा भी इनको जो चूज भी इसलिए किया था कि शायद ये बजर नहीं बजाएंगे और मैं घर से बेघर हो जाऊँगी। तभी जो सलमान खान है वो प्रियंका चौधरी की बात ही नहीं सुन रहे और उनको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हुए नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी पर आरोप लगे हैं क्या ये सही है या गलत, तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।